इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान में आज 250 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। बड़ी खबर इस वक्त की, डूंगरपुर में 70, पाली में 69, जयपुर और बाड़मेर में 17 नए पॉजिटिव पाए गए। नागौर में 16, उदयपुर में 13, सिरोही में 12, जोधपुर में 11 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा और टोंक में 5-5, बीकानेर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। झुंझुनू, प्रतापगढ़ और सीकर की अगर बात करें तो यहां पर 2-2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अजमेर, अलवर, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,757। आज 250 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, लगातार बढ़ोतरी हो रही है इन आंकड़ों में। और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,757 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है आंकड़ों में। आज 250 कोरोना के मामले सामने आए, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,757। आज 250 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए। हर जिले से कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए, हर जिले से लगातार ही आंकड़े सामने आ रहे हैं और ग्राफ लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या प्रदेश में बढ़ती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब बढ़कर 5,757 हो चुकी है। बात करें आज 2 बजे तक की, तो 2 बजे तक आज प्रदेश में 250 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरह लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उनमें ठीक होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और वो उनकी संख्या बढ़कर अब प्रदेश में 3,232 हो चुकी है। जिस तरह से प्रदेश में आज 250 कोरोना पॉजिटिव सामने अब तक आ चुके हैं और वही संख्या बढ़कर भी 5,757 हो चुकी है। इसमें बात करें तो सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव डूंगरपुर में सामने आए हैं। डूंगरपुर में आज 70 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसी के साथ में बात करें तो पाली में 69 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और पाली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 201 हो चुकी है। लगातार पाली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। वहीं डूंगरपुर में बीते तीन दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और वहां पर भी 194 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। बात करें जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव तक है और वहां पर भी आज 17 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 1640 हो चुकी है। हालांकि मौतों का आंकड़ा भी जयपुर में सबसे अधिक है। जयपुर में अब तक 68 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। वहीं आज नागौर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत सामने आई है और उसके बाद मौतों का आंकड़ा प्रदेश में 139 हो गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे अधिक जो अब सामने आ रहे हैं उसमें जो माइग्रेंट जो है, बात करें प्रवासी की संख्या अधिक सामने आ रही है। उसमें अब तक 818 प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, लेकिन जहाँ सैंपल है जांच की स्थिति वो लगातार बढ़ाई जा रही है और अब तक प्रदेश में 2,54,533 कोरोना के जो सैंपल है वो लिए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक 3,821 कोरोना सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है, 2 देर रात तक आ सकती है। ऐसे में जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें लॉकडाउन के बाद बात करें तो लॉकडाउन के चौथे सीजन जो पहला दिन था उसी दौरान तकरीबन 300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे और आज लॉकडाउन चौथे का आज दूसरा दिन है, उस दौरान भी अब तक 250 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के छूट दी गई, इसी छूट के बीच में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जो चिंता की बात है। हालांकि आम जनता को इससे और जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना आवश्यक होगा, तभी कोरोना से संक्रमण से बचा जा सकेगा। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,757 हो चुकी है। 250 नए कोरोना पॉजिटिव आज अब तक सामने आए हैं राजस्थान में।